हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज सुबह के बज चुके हैं 9:30। और गाइस, मैं देख रही हूँ आप लोग मेरा जल्दी से सब्सक्राइबर का कोड कंप्लीट नहीं करा रहे। क्या बात है यार, जल्दी जाइए और कंप्लीट कराइए ना यार। मैं देखो डेली डेली व्लॉग ले आती हूँ, आज तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था व्लॉग करने का, पर फिर भी मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स सॉरी कल मैं थोड़ी सी इमोशनल थी क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है थोड़ी सी छुप जाती है, बट अब नहीं हूँ। जो होता है आपकी लाइफ में अच्छे के लिए होता है, ओके। और मैंने अपनी इसी अच्छाई की सोच के इस ग्रुप को अपना लिया है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ, एक गुलाब बिस्तरा सपना सा था, मैंने सुसाइड कर दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब आपकी वही पहले वाली क्यूट सी वर्षा वापस आ गई है, सॉरी क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ ना, तो वही आ गई है। पर यार मेरे कॉपीराइट क्लेम क्यों लग रहा है, और हमारे घर में ही देव कुमार जी घूमते रहते हैं। उससे पहले हम अब बातें कंटिन्यू करूंगी, उससे पहले हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट जल्दी से, ठीक है। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट। फाइनली बैक और ब्रेकफास्ट डन हो चुका है। इसने मेरी नेल पेंट पकड़ रखी और तोड़ रहा है, दिखाओ आपको भी, लिटरली दिखाते हुए इधर आओ दीदी, पास आओ, यहाँ आओ, पर आओ आओ दीदी पास आओ, आ रहा है, आओ इधर आओ, आ रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया आ गया आ गया गाइस, जस्ट वेट, आओ इधर आओ, आओ ये भी तो देखेंगे, जाओ देखो, ये हाय करो, हाय ऐसे करो, ऐसे करो, करो ऐसे करो, बिंजू बच्चे हंस के दिखाओ, उसमें हाय करो, हाय डांस करके दिखाओ, डांस, अरे अरे दोबारा करो, दोबारा करो, डांस करो, आहा, आहा, आहा। तो गाइस इसकी मस्तियां चल रही है यहाँ पे, भाई ये डेली आ जाता है, आपको पता नहीं, आपको मैं ब्लॉग, मैं तो पूरा ब्लॉग दिखाती नहीं हूँ ना, मतलब लंचशीट में ब्लॉग ऐड कर देती हूँ, स्किप करना पड़ता है, फिर आप लोगों को देखते देखते दिखा नहीं पाती, इतनी मस्तियाँ करता है लिटरली, इतनी बस पूछो मत आप लोग। अभी भी देखो मम्मी का फोन छेड़ रहा है ये, तो आएगा जाएगा, एसी चलेगा ना जब हमारे घर का, तब तो अध बद के आता जाता, अध बद के। तो गाइस फिर ये सब है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्लियर हूँ, मुझे कोई अब टेंशन नहीं है, ठीक है। अब अपना पढ़ना है, अपना करियर में आगे बढ़ना है, अपने लिए खुद का एक मुकाम हासिल करना है, ठीक है, तो वो सब मैं करूँगी। और ट्रस्ट तो मैं बेबी नहीं करती, किसी और फिगर से कर लूँ। बेबी आ जाओ, आओ इधर आओ, दीदी पास आओ, नहीं आना, चढ़ा रही थी, सही है, ठीक है। तो अभी इसकी मस्तियाँ चल रही है, इसकी मस्तियाँ देख लो जरा, ठीक है, ये तो आ नहीं रहा है, तो इसकी मस्ती जो थी वही देख लेना आप लोग। और आज ना हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, आ जाओ इधर आओ, इधर इधर आओ ऊपर चढ़ के। तो आज दिल्ली में बहुत ही प्यारा मौसम है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है, तो 2-3 दिन से लिटरली बारिश पड़ रही है। ये इधर आओ, ये ले लो, ले लो आके, बारिश का मौसम हो रहा है गाइस, तो बारिश हो रही है, और मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं बाहर गई थी ना, तो शूट नहीं किया, गिर गया था, ये देखो मछली की तरह घूमता रहेगा, देखो बेबी, आहा तो देखो इधर, बेबी लूलू, ए देखो इधर कुछी कर दो, किसी कर दो, किसी करो, यहाँ करो दीदी पे, दीदी को करो, यहाँ यहाँ दीदी के, अरे यहाँ पे, यहाँ 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 करो, यहाँ इसे सोच रहे इसे कर लिया, बेचारे बच्चे कितने क्यूट और मासूम होते हैं गाइस। तो मैं क्या कह रही थी, आज मौसम हो रहा है बारिश का, तो मैं आपको बारिश का मौसम दिखाती हूँ, ठीक है। 2-3 दिन से हमारे यहाँ पे ऐसे ही है, थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसे ही जगह को ड्रॉप करने चली गई थी मेट्रो तक, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया बाहर का सीन, मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है, तो वो देखो आप जल्दी से, ठीक है। तो फिर मैं उसमें सो जाऊँगी ना गाइस, इसीलिए अब देख पड़ा मैं, क्या
लगा आपको मौसम हमारे यहाँ का, है ना, मस्त हो रहा है, एकदम झक्कास मौसम हो रहा है। और अब मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट तो कर चुकी हूँ, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ ना, मैं इतना नहीं पढ़ती, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो ना अपनी, मैं इतनी डिवोटी हूँ ना, इतनी डिवोटी हूँ, बस मुझे एक चीज़ पता है, मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मेरे ऊपर वाले ने मेरा साथ दिखाया है, ठीक है, तो आगे भी मुझे मेरा ऊपर वाला ही लेके जाएगा। मेरे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता यार, और कर भी लेगा तो मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ ऊपर वाला होता है ना, मैं किसी के भरोसे नहीं जीती अपनी लाइफ, मैं किसी पे एक्सपेक्टेशन नहीं रखती, किसी को मैं फोर्स नहीं करती कि आप मुझसे बात करो, ठीक है। मुझे इतना पता है जो ऊपर वाला है ना वो मेरे साथ है, जो मेरे साथ गलत करने की सोच रहा है ना, तो उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं हो सकता, ये बात फैक्ट है। जो जिसने भी मैंने गलत करने की सोचा है ना, उसका कभी अच्छा हुआ नहीं है, ठीक है। मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही, बट एक बात कह रही हूँ कि, और मेरे साथ ही क्या, अगर आप किसी भी प्योर हार्टेड इंसान के साथ अगर आप गलत करते हो ना, तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। और आप धोखा देख के मतलब, ये बस मैं जनरली आप लोगों से शेयर कर रही थी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ओके, सो डोंट माइंड। एंड बस गाइस यही बात थी, और मुझे सुबह जाते हैं, सुबह उठ के फिर करेंगे लंच एंड फिर ब्लॉग करेंगे। एंड और आप लोग सोच रहे हो कि इतना बोरिंग ब्लॉग बना रही, कुछ कर भी नहीं दिया है, और मतलब बाहर भी आ जा नहीं रही, और बाहर जा ही नहीं रही, बाहर आना जाने नहीं हो रहा, कॉलेज मेरा खत्म हो चुका है, सो इस वजह से मैं घर में ही रहती हूँ। और देखो डेली ब्लॉग्स में आप डेली डेली तो आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, इतनी बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ गाइस मैं, क्योंकि अभी मैंने आपको शुरू में जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, जब मैंने आपसे शेयर करा था ना कि जब मैं मतलब वो बन जाऊँगी, क्या कहते हैं, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उसी जब उसकी फर्स्ट सैलरी आएगी ना, उसी में से मैं वो ट्राईपॉड खरीदूंगी। तो आपको पता है जब मैं ट्राईपॉड्स खरीदूंगी, मतलब सारा जो ब्लॉगिंग का सामान होता है मैं तभी खरीदूंगी जब मेरा चैनल मतलब ग्रो कर जाएगा और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो जल्दी जाइए गाइस, 100 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट कराइए मेरा, क्योंकि मेरा 100 सब्सक्राइबर का गोल है। और आई होप, देखो सबके हो जाते हैं, पता नहीं मेरे क्यों नहीं हो रहे, शायद मेरी किस्मत में ना यही लिखा है, मुझे बहुत रो रो की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बट आई होप, मैं विश्वास है मेरे को कि मैं एक अच्छी ब्लॉगर बन पाऊँगी, ठीक है। सो जिस वजह से मैंने स्टार्ट की थी एल बी शादी की वजह से मिलना है मुझे, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब चाहूँ तो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ मिलने को, इतने तो कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे कि मुझे मिलवा सकते हैं, बट ऐसे नहीं यार, आपकी खुद की भी कोई फुटिंग होनी चाहिए ना, कि आपको भी उनसे मिलते हुए मतलब सेम ही फील आया, अब ऐसा नहीं ना वो मतलब ऑकवर्ड फीलिंग हो जाएगी मेरे लिए। मैं चाहती हूँ जब मैं उनसे मिलूँ तो मैं भी कुछ हूँ, ठीक है, वो भी मुझे मतलब, तो बस यही सब है। तो अभी मैं सो जाती हूँ, फिर उठ के फिर लंच करेंगे, फिर करके बोला ओके, तो चले जाते हैं। Hey guys, welcome back। और मेरे ये अभी भी ऐसी कर रहा है, अभी भी खड़ा हुआ है, तो इसलिए ऐसी तब नहीं हो रही गाइज, तो लंच का टाइम हो गया गाइज, फिर आप उससे लंच कर लेते हैं, ठीक है। और ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ब्लॉग लंबा हो जाता है फिर आप उसके भी देख करके देखिए, सो ब्लॉग में लंबा नहीं करूँगी, फिर आप उससे लंच कर लेते हैं, आप ब्लॉग ग्राइंड करेंगे, ओके, चलो जल्दी से लंच कर लेते हैं। चुका है, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा, और ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तभी के लिए बाय बाय, तब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।